सो मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ का नेम, उनका डेटा, उनकी ईमेल आईडी है, और इस फॉर्मेट में जो कि एमएस वर्ड के अंदर मैंने फॉर्मेट रेडी किया है, मैंने मेल सेंड करना है वन टाइम में विद इन अ सेकेंड। वो कैसे? तो हम यूज करेंगे मेल मर्ज। अब देखो मेल मर्ज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ बताने वाला हूँ, जस्ट आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ओके? अब देखो मेल मर्ज का यूज हम करते कब है, जहां पर आपने बहुत सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स या एम्प्लॉयज को आपने कोई मेल सेंड करना हो, लाइक हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई रिमाइंडर हो या फिर कोई इन्विटेशन हो, ओके? वहां पर क्या है कि आप मेल मर्ज यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप विद इन अ सेकेंड उनको वन टाइम में, जस्ट आपने डेटा प्रिपेयर करना है एक्सेल के अंदर और एमएस वर्ड के अंदर कंटेंट मैटर लिखना है जो कि आप मेल पर लिखना चाहते हैं। तीन चीजों का हम यूज करेंगे, एक्सेल, एमएस वर्ड एंड आउटलुक। आउटलुक के हेल्प से हम मेल करेंगे, ओके? सो जैसे कि ये कंटेंट मैटर है जो मैंने लिखा हुआ है और ये है बेसिकली कि ट्रैवल बजट के ऊपर मैंने इन्फॉर्म करना कुछ एम्प्लॉयज़ को कि आपका मंथली ट्रैवल बजट इतना है, सो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेंस कर सकते हैं मंथ वाइज, ओके? सो एक्सेल के अंदर आते हैं, यहाँ पर देखो डेटा क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, उनका नेम, डेजिग्नेशन, जोन, एक्सपेंस की अमाउंट जो कि लिमिट है, प्लस उनकी ईमेल आईडी जिस पे मेल सेंड करना है। अगर मुझे यहाँ पर उनको वन टू वन मेल सेंड करना हो, सो आई थिंक ये टोटल अभी मेरे पास 17 से 18 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। हो सकता है आपके पास बहुत सारा डेटा हो जहाँ पर अपने मेल सेंड करना हो, तो मैनुअली करेंगे तो एक घंटा तो लगेगा आराम से, ठीक है? लेकिन हम करेंगे मेल मर्ज। तो आते हैं एमएस वर्ड के अंदर और यहाँ पर एक ऑप्शन है जो है मेलिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चार ऑप्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर एनवेलप, लेबल्स, प्रिंटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट रिसिपिएंट, इस पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शंस मिलते हैं, एक टाइप है न्यू लिस्ट, तो न्यू लिस्ट मुझे टाइप नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक्सेल के अंदर डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। तो जाएंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे, ओके? अब ये फाइल का ऑप्शन मांगता है जिसके अंदर आपने डेटा प्रिपेयर किया है, तो ये है ऑटो मेल के नाम से मैंने एक्सेल की फाइल करी हुई है, इसको सिलेक्ट किया, देन ओपन। उसके बाद एक टॉपअप आएगा, आपने जस्ट इसको ओके कर देना है। नाउ जितने भी यहाँ पर ऑप्शन से वो इनेबल हो चुके हैं, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटा है एक्सेल का डेटा उसके अंदर जो हेडर्स हैं वो यहाँ पर आपको शो करेंगे सारे के सारे। एक लास्ट में ऐप से बन करके आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों शो कर रहा है, बट इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपने जो भी कंटेंट चेंज करना है, लाइक देखो डियर मिस्टर के बाद मैं चाहता हूँ उनका नेम आ जाए, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, सिलेक्ट कर लेंगे नेम को, ओके? देन आएंगे एम्प्लॉय आई डी पे, तो वन बाय वन जो भी आपका हेडर है जस्ट आपने डेटा को उसके अंदर इंसर्ट कर देना है, ऐड कर देना है, ओके? यहाँ पर आ जाएगा डेजिग्नेशन, यहाँ पर जोन, ओके, एंड एक्सपेंस लिमिट जो कि है अमाउंट। अब यहाँ पर कहीं पर भी हमें ईमेल नहीं डालना है, वो है बात का काम, ठीक है? सो मैंने एक्सेल अपलोड कर दी है और इंसर्ट कर दिया उन फील्ड्स को जहाँ पर डेटा चेंज हो, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन था प्रीव्यू रिजल्ट का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखो फर्स्ट कस्टमर का नेम आ गया है, उसकी सही डिटेल आ गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये देखो चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पर डिटेल चेंज हो रही है, जो कंटेंट मैटर है वो एडिटी सेम है, ठीक है? यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन आता है फिनिश मर्ज का, ओके? इस पर क्लिक करेंगे, तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट नहीं करना है, प्रिंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिंट भी नहीं करना है। सो मैं आपको बता दूं कि मेल मर्ज की हेल्प से आप डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं, मुझे तो प्रिंट डॉक्यूमेंट करना नहीं है। सेंड ईमेल मैसेज पे जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आ गया मर्ज टू ईमेल, यहाँ पर टू के अंदर आपने अब सेलेक्ट करना है मेल आईडी वाला कॉलम। अब ये सारे कस्टमर्स की मेल आईडी वाला कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट लाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस लिमिट। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं मेल मर्ज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में ऐड कर देना। मेल का जो फॉर्मेट है HTML, दैट्स ओके। अब यहाँ पर आता है सभी को सेंड करना है, सेंड रिकॉर्ड ऑल या फ्रॉम टू, तो फिलहाल मैं करता हूँ वन से लेकर टोटल फोर पीपल को, कि चार अपना एम्प्लॉयज़ को जो है मेल चली जाए, देन ओके कर देना। नाउ डेटा चेंज हुआ हो रहा है, चलते हैं आउटलुक पे, ये रहा आउटलुक, यहाँ पर चलते हैं सेंड आइटम में, ओके सेंड आइटम। सो अभी देखो लमसम 11:30 बज रहे हैं रात के और मैंने इन चार कस्टमर्स को अभी अभी वन टाइम में मेल सेंड कर दिया है। सो अगेन चलते हैं एमएस वर्ड पे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगेन हम जो है फिनिश एंड मर्ज करेंगे, सेंड ईमेल मैसेजेस सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर हम कर देंगे ऑन। अब सभी को ये मेल्स चली जाएगी वन बाय वन, देखो विद इन सेकंड काम हो रहा है।
अगर यही काम आपको मैनुअली करना पड़ता तो ये टाइम टेकिंग था। यहाँ पर आप देखो मेल्स ऐड हो चुकी हैं आज की डेट में, ठीक है। इतनी सारी मेल 11:25 पर जा रही है, देखो 11:25 एक मेल ओपन करके देख कर लेते हैं। इस मेल को ओपन करते हैं, देखो यहाँ पर कंटेंट आ गया। मेल के अंदर क्या था, वही जो मैंने टाइप किया था, BMR साहिल ठाकुर। यहाँ पर उसका डिटेल आ गया, उसका एम्प्लॉय का ID, नेम, डेजिग्नेशन, नॉर्थ जो उसका जोन है, प्लस उसकी एक्सपेंस लिमिट की अमाउंट। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेल मर्ज कैसे वर्क करता है। तो मेल मर्ज सबसे अच्छा ऑप्शन है मेल सेंड करने के लिए। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, उस वीडियो को देखो, वहां पर मैंने आपको डिटेल में एक नए फॉर्मेट के साथ आपको समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप आई बटन पे क्लिक करो तो वो वीडियो आपको वहां पर पॉपअप होकर आ जाएगी। सो ऐसी लर्निंग रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।